ओम शांति। आजकल मनुष्य जब बात विवाद में आते हैं तो कई अप्रिय शब्द एक दूसरे को बोल देते हैं, जिससे दोनों को दुख पहुंचता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वही व्यक्ति उन अप्रिय शब्दों को तो भूलते ही नहीं और साथ ही साथ उनको याद करके स्वयं को और दुख पहुंचाते हैं। जैसे कि देखिए, आज जब कोई मनुष्य कोई निरह पशु पर हिंसा या अत्याचार करते जा रहा है तो वह पशु मौन में रहकर चुपचाप सब कुछ सहन कर लेता है। पशु मनुष्य के शब्दों को नहीं समझता, लेकिन वो मनुष्य के भावनाओं और संवेदनाओं को समझ सकता है, क्योंकि उसमें मौन में रहने की शक्ति है, क्योंकि मौन के अभ्यासी है। सहन शक्ति का मौन के साथ नजदीकी रिश्ता है। सहन शक्ति की प्रक्रिया मौन में ठीक चलती है, परंतु आज के मनुष्य एक दूसरे को बात सुनाने का अवसर ढूंढते हैं, जबकि उन्हें मौन में जाने का अभ्यास होना चाहिए। मौन में रहना आपके लिए एक अवसर है, न कि वाचा में आकर मजबूरी। जैसे कि आज के समाज की घटनाएं, जब कहीं पे कोई बात विवाद ज़्यादा हो जाता है तो वो बात कोर्ट कचहरी तक चली जाती है। कोर्ट कचहरी में मौका वारदात में चश्मदीद गवाह के द्वारा कही हुई बातों को सच मानकर उस पर परिणाम दिया जाता है। चश्मदीद गवाह की विशेषता क्या होती है? वह मुखदर्शन या मौन दर्शक होता है। उस घटना के हिस्सा भले वो ना हो, लेकिन वो किस्सा जो वो कोर्ट पर सबके सामने बताता है, उस आधार पर निर्णय लिया जाता है। अर्थात मौन की शक्ति का आधार एक फैसले का आधार भी हो सकती है। ओम शांति।